जिला के कोने कोने से आए हुए हमारी माताओं, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिन के सुबह 7 बजे इस करेटे की धूप में आप घर से निकले। दोस्तों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हताश में है। आप लोगों को समझने की जरूरत है, यह चुनाव शाहनवाज का चुनाव नहीं है, यह चुनाव अररिया के मुद्दों का चुनाव है, यह चुनाव देश के मुद्दों का चुनाव है, यह चुनाव बेरोजगारी हटाने का चुनाव है, यह चुनाव संविधान बचाने का है। भाजपा के प्रत्याशी आपके पास आएंगे, आपके पास रगड़ा लेंगे। मैं 3-4 बातें कह देता हूं आपको, आप सिर्फ उनको सवाल करना। किशन अररिया से जो सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जो है लालू या प्रसाद यादव जी ने और तस्लीम साहब ने चालू करवाया था, उसके बाद क्या कोई ट्रेन चला है? अररिया का सबसे बड़ा मुद्दा है स्थायी बोर्ड का समाधान हो, पलायन पर रोक हो। इन सब बातों पे पिछले 5 वर्षों में जो मौजूदा सांसद है वो विफल रहे। ज्यादा समय नहीं है, हम अपने पटना से आए हुए नेताओं को सुनना चाहते हैं। अंत में आपसे आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं, आप सबों से दुआ की अपील करते हैं, आशीर्वाद की अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू या प्रसाद यादव जी ने और तस्लीम साहब ने चालू करवाया था, उसके बाद क्या कोई ट्रेन चला है? अररिया यानी 40 लोकसभा क्षेत्र में अगर इसको गुना करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया बनता है, यानी आपके अररिया को 4,000 करोड़ मिलेगा आपके गांव के विकास के लिए, आपके तरक्की के लिए। ये सारा हम लोग काम करेंगे। मोदी जी ना तो नौकरी के बारे में बोलते हैं, ना गरीबी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, इसलिए हम मोदी